हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका एंड आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपनी सिंपल सी लिनन साड़ी को 25 डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी साड़ियों को ड्रैप करके भी दिखाया है, ड्रैपिंग स्टाइल भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। इतनी मेहनत की है तो यार एक लाइक और शेयर तो बनता है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टाइल नंबर वन में मैंने अपनी लिनन साड़ी को पेयर किया है व्हाइट लेस ब्लाउज के साथ, और उसके साथ मैंने जंक ज्वेलरीज पेयर की है। जंक ज्वेलरीज कॉटन लिनन साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी ट्रेंड में भी है। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड लुक में सेम साड़ी को मैंने अपने हाईनेक ब्लैक ब्लाउज के साथ कैरी किया एंड साथ ही में पेयर किया वेस्ट बैंड के साथ। बहुत ही ट्रेंडी लगते हैं वेस्ट बैंड के साथ साड़ी। तो ये साड़ी जो है मैंने मीशो से परचेस की है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। जस्ट 450 या 500 रुपीज़ मैंने परचेस की है, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए तरीके से सिल्वर थ्रेड से, जरी थ्रेड से इसमें पल्लू पे वर्क किया हुआ है एंड पूरी बॉर्डर पे भी इसी तरीके की जरी बॉर्डर पूरा चल रही है एंड टेजल्स लगे हुए हैं पल्लू पे जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सॉफ्ट फैब्रिक है एंड रनिंग में ही ब्लाउज है और बहुत ही अच्छी लेंथ है, परफेक्ट विड्थ है इस साड़ी की। तो मुझे सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगा इसमें ये बात कि प्लीट्स काफी सारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड से हम देखिए इसे टक करना स्टार्ट करेंगे एंड फ्लो से टच करते हुए हमेशा की तरह ऐसे बेसिक टक हमारा एक कर लेंगे हम। बेसिक स्कर्ट पार्ट सारी स्टाइल्स में सेम रहेगा एंड जस्ट वी आर गोइंग टू प्ले विद पल्लू। सो सबसे पहले मैं आपको राइट शोल्डर वाले जो भी स्टाइल्स हैं वो करके दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप पल्लू को गैदर कर लेंगे, प्लीट कर लेंगे एंड रैंडमली प्लीट करना है आपको और अपने राइट शोल्डर पर बैक साइड से इस तरीके से डाल लेंगे। नी से थोड़ा सा नीचे रखेंगे पल्लू को आप एंड बैक साइड में थोड़ा सा लूप छोड़ते हुए जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा टक करना है एंड बाकी पूरी साड़ी के प्लीट्स बना लेने। कॉटन साड़ी ड्रैपिंग में मेरी आपको ये सजेशन रहेगी कि थोड़ा सा नीचे पहने आप फ्लोर से टच करते हुए और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो हमेशा अप हो जाती है चलते टाइम। एंड प्लीट्स को आप यहाँ पर ब्रॉड रखें तो ज़्यादा फूला हुआ या फिर आप फैटी नहीं दिखेंगे। एंड फर्स्ट प्लीट को आपको थोड़ा सा बड़ा करना है एंड यहाँ पर मैं साड़ी की फोल्ड रिंकल्स को यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे क्या है कि बहुत जल्दी ईजिली मेरे प्लीट्स अरेंज हो जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लेंथ आई है, अब सेंटर में जस्ट आप इसको टक कर लें एंड बैक साइड में जहाँ पर आपका पल्लू आने वाला है ना वहाँ पर ये बाकी का बचा हुआ पार्ट अच्छे से फिक्स कर ले ताकि वो दिखाई ना दे। अब हमें पल्लू को अच्छे से सेट करना है, उसके लिए हम पल्लू को यहाँ लेफ्ट साइड से बॉर्डर को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए लाएंगे, क्योंकि कॉटन साड़ीज में जनरली बॉर्डर मुड़ जाती है। तो उसे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए अपने राइट शोल्डर पे बैक साइड से ही आपको डालना है, जैसे गुजराती पल्लू में हम डालते हैं। बस पल्लू को यहाँ पर आपको नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे रखना है एंड इस तरह से ओपन रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, बट अभी तक मैंने एक भी सेफ्टी पिन यूज नहीं किए। तो ये मेरा स्टाइल नंबर 3 है। फोर्थ स्टाइल के लिए आपको जस्ट थोड़ा सा पल्लू को पीछे से खींचते हुए और फ्लोर लेंथ तक पल्लू को रखना है सामने से। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको एकदम इंस्टेंट डिफरेंट लुक दे देगा, आपकी हाइट ज़्यादा दिखा देगा। एंड फिफ्थ लुक के लिए मैंने इसी पल्लू को यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड की वेस्ट में इस तरह से टक कर लिया है एंड ओपन ही रखा है। आप चाहें तो इसे प्लीट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक लगेगा। एंड गाइस, ये सारी स्टाइल्स ऐसी है ना कि आप इसे ऑफिस में, कॉलेज में या फिर किसी भी वेडिंग फंक्शन में भी डिफरेंट ज्वेलरीज के साथ अलग अलग फंक्शन के हिसाब से पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल के मैंने इस पल्लू को वी शेप देते हुए फ्रंट में इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर पे पिनअप कर लिया है। यहाँ पे भी मैंने पल्लू को ओपन ही रखा है, आप चाहें तो प्लीट कर सकते हैं, बट ईजी ड्रैपिंग बताने के लिए मैंने इसे ओपन ही रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टाइल के लिए मैंने दोनों साइड से अपने सेफ्टी पिन को रिमूव कर लिया है एंड अब पल्लू को लेकर के मैं अपने लेफ्ट शोल्डर पे ड्रैप करके दिखाने वाली हूँ। जो भी लेफ्ट शोल्डर वाले स्टाइल से वो दिखाने वाली हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि लेफ्ट शोल्डर पे साड़ी को किस तरह से पहने, तो ये वाटरफॉल लुक जो है साड़ी का ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत अच्छा लगता है। बस बैक साइड से आपकी साड़ी को इस तरह से आप पूरा फ्लैट टक कर लें एंड साइड में थोड़ा सा लूप छोड़ते हुए आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि बार बार ना निकले। वैसे कॉटन की साड़ी नहीं निकलती है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप फ्रंट में आपको प्लीट्स को थोड़ा सा सेट करना है एंड यू आर गुड टू गो। अब सेम ड्रेपिंग स्टाइल में आप चाहे तो यहाँ पर वेस्ट बैंड कैरी कर सकते हैं। ब्लैक के ऊपर ब्लैक वेस्ट बैंड बहुत अच्छा लगेगा, येलो के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वेस्ट बैंड भी मैंने अमेजन से परचेज किया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिली है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसे गाउन स्टाइल में अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी इस वेस्ट बैंड को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टाइल के लिए मैं यहाँ से फिर से लेफ्ट शोल्डर से पल्लू को निकालूंगी और यहाँ पर अब इसे हमें इस तरह से लेंथ वाइज प्लीट करना है और इसे आपको ज़्यादा लंबा पीछे लेना है। पहले हमने जस्ट शोल्डर पर से पिनअप लिया था, अब हम बैक साइड में वेस्ट में इसे अच्छे से टक कर लेंगे और फ्रंट साइड में फिर से आपको प्लीट्स अच्छे से अरेंज करते हुए आप वेस्ट बैंड टाई कर लेंगे। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड ट्रेंडी है, स्टाइलिश लगेगा। नेक्स्ट मैं फिर से वेस्ट बैंड निकाल करके इस पल्लू को यहाँ से निकालूंगी। अब मैंने पल्लू को यहाँ पर प्लीट कर लिया है एंड प्लीट को मैंने अपनी बॉर्डर की विड्थ का ही रखा है, थोड़ा सा ब्रॉड रखा है। कॉटन में थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे तो काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। अब साइड से देखिए इस तरह से बैक साइड में भी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे, काफ़ी अच्छे रिंकल साइड में आपको दिखेंगे। ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है
लगता है। अब ये प्लीटेड मैंने अपने राइट शोल्डर पे लुक क्रिएट किया है। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से पल्लू की लेंथ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप लंबा दिखना चाहते हैं तो आप अपने पल्लू को लॉन्ग रखें सामने की तरफ, आपको लेंथ का इल्यूजन देगा। अगर आपकी लेंथ अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो आप इसे शॉर्ट भी रख सकते हैं, नी लेंथ तक भी रखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो गुजराती पल्लू होता है ना वो वाला लुक पूरा मिलेगा आपको। ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस लुक में आप ब्लाउज चेंज कर सकते हैं अपने हाईनेक की जगह। अगर विंटर में पहन रहे हैं तो हाईनेक पे पहन लेंगे, एंड अगर आप समर्स में पहन रहे हैं तो आप स्लीवलेस हाईनेक टॉप पे भी पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। मेरे पास ब्लैक कलर का स्लीवलेस हाईनेक टॉप नहीं था तो मैंने इसे फुल स्लीव्स पे क्रिएट किया है, और इतने सारे लुक क्रिएट करने के लिए मुझे ये थोड़ा कम्फर्टेबल टॉप लगा, इसीलिए मैंने सारे लुक में इसे ही यूज़ किया है। एंड आप ब्लाउज के साथ भी अच्छे से खेल सकते हैं। अब देखिए, मैंने राइट शोल्डर से पल्लू को निकाल करके वापस से लेफ्ट शोल्डर पर ले लिया एंड बैक साइड से ही लिया है। ये सारी ड्रेपिंग स्टाइल मेरी फेवरेट स्टाइल है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। एंड इसका मैंने ड्रापिंग वीडियो भी बहुत पहले अपलोड किया था, 2 साल पहले, एंड वो बहुत ज़्यादा पसंद किया था आप लोगों ने, तो उसका राइट साइड में आपको आई बटन में मिल जाएगा लिंक। तो इस तरह से देखिए, ऐसे मैंने डाल लिया है पल्लू को। आप इसे अब सामने से ओपन रख सकते हैं एंड चाहे तो वेस्ट बैंड कैरी कर सकते हैं। बैक साइड से भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट स्टाइल के लिए इसी के पल्लू को मैंने अपर बॉर्डर को इस तरह से लिया है। एंड अब यहाँ पर आप देखेंगे पल्लू की जो बॉर्डर है ना वो आउटर साइड पे नहीं रहती, इनर साइड पे रहती है, तो इसका पूरा लुक चेंज हो जाता है, पल्लू का एकदम डिफरेंट लुक आता है। बैक साइड से आपको इस तरह से लेकर आप चाहें तो बैक साइड में बस यहीं तक रखें, और आप चाहें तो इसे फ्रंट में यहाँ तक अपनी जहाँ प्लीट्स आपने टक की है सेंटर में जस्ट वहाँ तक इसे अरेंज कर लेंगे तो जो टेजल्स है ना वो फ्रंट में आ जाएंगे तो वो और भी अच्छा लुक देंगे। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस लुक को भी क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, सिंगल साड़ी पे मैंने इतने सारे ड्रापिंग ऑप्शंस दिए हैं, ज़रूर इसमें से आप ट्राई करिएगा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट स्टाइल के लिए मैंने पल्लू को फिर से निकाल लिया है। इसे अब मैंने यहाँ पर वी शेप देते हुए अपने जैसे पहले हमने लेफ्ट शोल्डर पे पिनअप किया था वैसे अब राइट शोल्डर पे पिनअप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वेरिएशन हो जाएगा। इसमें बैक साइड में आपका जो लुक है वो डिफरेंट रहेगा एंड साइड्स में जो आपकी काउल्स आएंगे ना वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, तो ये भी एक डिफरेंट सा आपका स्टाइल रेडी हो जाता है। नेक्स्ट आपको पल्लू को फिर से खोलना है एंड यहाँ पर लेंथ को हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, बैक साइड में डालेंगे एंड जो आपके टेजल्स है ना उनको हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है, तो इस तरह से फैलाते हुए मैंने दोनों साइड्स को अपने बैक साइड में जो सेंटर में टक कर लिया है, तो इसे आप अच्छे से अरेंज करते हुए यहाँ पर सेंटर में टक कर लें। पल्लू की लेंथ उस हिसाब से आप सेट कर लें जितना आप ये टक करने के बाद फिर पल्लू की लेंथ को अच्छे से सेट कर लें कि आपका सामने से वो लटकता हुआ सा लूप ना लगे, उसे अच्छे से अरेंज करके सेफ्टी पिन से पिन अप कर लीजिए। नेक्स्ट स्टाइल भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, ध्यान से देखिएगा। पल्लू को देखिए मैंने इस तरीके से आगे ले लिया है एंड अब इसे मैं बैक साइड से नहीं डाल के फ्रंट साइड से ही अपने लेफ्ट शोल्डर पर डालने वाली हूँ, और यहाँ पर आप चाहें तो सेफ्टी पिन से इसे पिन अप कर लें। वैसे तो कॉटन साड़ी है, पिन अप नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छे से प्लीट्स अरेंज रहते हैं। अब इसे मैंने बैक साइड से लेंथ को लिया है पल्लू की और इसे अपने राइट शोल्डर पे बैक साइड से डाल लिया है। इसे आप चाहें तो फैला के रख सकते हैं या फिर जैसे प्लीट्स अरेंज वैसा ही उसे फ्लैट रख के वेस्ट बैंड कैरी कर सकते हैं। ये लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तरह से ये आपका जो बंगाली ड्रेप रहता है ना उस तरीके का दिखने वाला है एंड बैक साइड से मैंने इसे वी शेप देते हुए वेस्ट बैंड लगा लिया, तो बैक साइड से पूरा गाउन लुक है एंड फ्रंट साइड से बहुत अच्छे काउल्स, पल्लू के टेजल्स एंड बहुत अच्छा सा लुक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल में जो राइट शोल्डर पर मैंने पल्लू को डाला था उसे मैं फ्रंट साइड में इस तरह से लेते हुए इसे अपने वेस्ट के अराउंड इसे टक कर रही हूँ, थोड़ा सा बैक साइड से लूज करते हुए इसे मैं लूँगी एंड जस्ट वेस्ट पे इसे मैंने ऐसे टाइटली टाई किया है एंड इसका जो टेजल्स हैं उनको मैंने इस तरह से इसके नीचे से निकाल लिया है। तो ये लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट सा मैंने ट्राई किया, हालांकि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम लगा, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट स्टाइल में जैसे नीवी स्टाइल में हम पहनते हैं साड़ी को उल्टा पल्लू साड़ी जिसे कहते हैं, उस तरह से ही मैंने यहाँ पर ड्रैप कर लिया है। अब पल्लू के वेरिएशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसे इस तरह से ही रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ली अपने लेफ्ट शोल्डर पे और पल्लू को बैक साइड से हम इस तरह से अपने नेक पे लेंगे। इस स्टाइल को आप अपने हॉल्टर नेक ड्रेस पे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके कॉलर बोन्स को एंड शोल्डर को आप बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो जस्ट मफलर स्टाइल में हमने इसको पल्लू को यहाँ पर डाल लिया, ये भी काफ़ी ट्रेंडी लगता है। नेक्स्ट स्टाइल में मैंने पल्लू को अपने जो लेफ्ट शोल्डर वाला पल्लू है उसके नीचे से ले लिया है और इस तरह से लेते हुए क्रॉस में कर दिया है। अब आप इसे चाहें तो फैला के रख सकते हैं या फिर इस तरह से प्लीटेड ही फ्लैट रख के और चाहे तो वेस्ट बैंड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल भी काफ़ी कूल लगता है, जो लोग अपने पल्लू को नहीं संभाल सकते, साड़ी पहनना उन्हें टफ लगता है, तो इस स्टाइल को ज़रूर ट्राई करिए।
नेक्स्ट स्टाइल में फिर से मैंने नीवी स्टाइल पे अपने पल्लू को डाल लिया है एंड पल्लू को यहाँ पर थोड़ा लूज लिया है. बैक साइड से इस तरह से आपको थोड़ा सा तिरछा लेते हुए इसे अपने राइट साइड की वेस्ट में इस तरह से टक कर ले एंड उसके बाद प्लीट्स को सामने से पूरा फ्लैट करते हुए आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद पल्लू को आपको बैक साइड से फिर से वैसे ही लेना है जैसे कॉलर में हमने लिया था एंड इसे यहाँ पर टेजल्स को मैंने इस तरह से पूरा स्ट्रेच करते हुए अपनी नेक के अराउंड कॉलर स्टाइल बना लिया है. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे काउल्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं. इस सारे स्टाइल में ना आप पल्लू से अपना मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं. आई एम जस्ट किडिंग. सो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने नेवी स्टाइल में अपनी साड़ी को कैरी कर लिया है और पल्लू को बस इस तरह से आपको उठाना है और यहाँ पर इसको डबल फोल्डेड आपको एक रबर बैंड से टाई कर लेना है. रबर बैंड आप मैचिंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इस तरह से देखिए फिर उसके बाद पल्लू को आपको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है प्लीट्स को जो आपने रबर बैंड टाई किया उसके ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए मैंने सेमी सर्कल बना लिया है एंड पल्लू को इस तरह से आप फ्रंट में रख सकते हैं. ये भी एक स्टाइल हो गया. या फिर आप पल्लू को ऐसे फ्रंट साइड में ही लेते हुए जैसे बैक साइड में मैंने टक कर लिया इस तरह से टक कर सकते हैं. ये भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, ज़रूर ट्राई करिएगा. बैक साइड में भी टेजल्स का बहुत अच्छा लुक आ रहा है. नेक्स्ट स्टाइल में मैंने ये जो पल्लू फ्रंट में हमने टक किया है उसे टक नहीं करेंगे, इस तरह से ले लेंगे और उसे अपने लेफ्ट हैंड पे इस तरह से पूरा लंबा लेंथवाइज ट्राई करेंगे और जितना आपके हैंड की लेंथ होगी उतना उसे ले लें बाकी फोल्ड करके और यहाँ पर आप प्लीट्स बना लें. आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लेंथ जो है स्लीव्स की उसको पहले से मेजर करके उसके हिसाब से बो बनाएं और फिर उसके बाद हैंड्स पे इस तरह से रबर बैंड से इसे टाई कर लें. सो गाइस इस तरह से आपको वन हैंड बहुत ही सुंदर स्लीव्स स्टाइल साड़ी मिल जाएगी एंड इसी के साथ हमारी 25 ड्रेपिंग स्टाइल्स कंप्लीट हो जाती है. आई होप आपको पसंद आई होगी. एक दो स्टाइल तो ज़रूर पसंद आई होगी. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड आप पहनना चाहेंगे. अगर पहनते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर पिक में टैग करिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी. एंड वीडियो अगर सच्ची में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.